बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल हसन और आप देख रहे हैं बिलाल हसन ब्लॉग। नाज़रीन, इस चैनल में हम आपको दिखाएंगे कि फैसलाबाद की ब्यूटी के मतलब बताएंगे, फैसलाबाद की कल्चर के बारे में बताएंगे, फैसलाबाद के तरीकी मकामात के बारे में बताया जाएगा आपको। और इस वीडियो में हम आपको फैसलाबाद के खानों, मज़ेदार किस्म की डिशेज़ के बारे में बताएँगे। तो अगर आप चाहते हैं कि फैसलाबाद शहर की खूबसूरती को देखें, कल्चर को देखें, इनके खानों को देखें, इसके तफरीही मकामात को देखें, यहाँ के लोगों के चाल चलन और बहुत सारी ऐसी अदा जिनके बारे में दुनिया जानना चाहती है, और ये दुनिया का नहीं पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, ये पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, जैसे इंग्लैंड में शहर मैनचेस्टर है, तो उसके लिए आपको बिलाल हसन ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करें बिलाल हसन ब्लॉग को, टू क्लिक द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। नाज़िम, ये मेरा पहला ब्लॉग है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मैं अपना सर छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दूँगा। मेरा नाम है बिलाल हसन, मैं ग्रेजुएशन का स्टूडेंट हूँ और मैं फैसलाबाद में इस्लाम नगर गली नंबर 11 में रहता हूँ। नाज़रीन, मैं आज सिर्फ एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ जिसमें मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि फैसलाबाद की बहुत सारी कल्चरल ट्रेडिशंस के बारे में आपको बताया जाएगा, मैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में बताऊँगा। एक्चुअली ये चैनल ब्लॉगिंग का है, तो ब्लॉगिंग का मकसद क्या होता है कि हम आपको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में बताएँ और अपने शहर के लोगों की ज़िंदगी के बारे में बताएँ। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला जहाँ में भी हम पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जाएँगे वहाँ के मकामात की भी आपको सैर कराएंगे हमारे चैनल के थ्रू। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय ही मेरी हौसला अफजाई के लिए काफ़ी है। और एक बार फिर हमेशा की तरह, अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली बिलाल हसन ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और क्लिक द बेल आइकन, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच रही है। तो आने वाली नई वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा और आने वाले हर नई वीडियो के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।